Hello students and my dear friends I am Dr Shalini Shukla and today is 23rd of May 2020 Saturday so let's start with business standard daily news analysis this analysis is suitable for these viewers and inspiration of the day is in the end it is not the years in your life that count it's the life in your ears. in today's discussion we are going to cover these articles so let's start with article number 1 given on page number 1 आर बी आई स्नेप रेट्स ग्रोथ फोकास्ट कल आर बी आई की एम पी सी मीटिंग हुई इस मीटिंग में आर बी आई ने ग्रोथ uh, फोकास्ट के अकॉर्डिंग कुछ पॉलिसी चेंजेस किए हैं कुछ पॉलिसी रेट्स में चेंजेस किए हैं और ये सारे जितने भी चेंजेस किए हैं आर बी आई ने बेसिकली ये एकोमोडेटिव हैं और मार्केट में इकोनमी में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने वाले चेंजेस हैं क्यों ऐसा क्योंकि सबको पता है हम सब कंटिन्यूसली कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि डिमांड जो है वो रिवाइव नहीं हो रही है इवन गवर्नमेंट ने जो ट्वेंटी ट्वेलन का पैकेज अनाउंस किया था उसका भी जो इम्पैक्ट था वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ना होकर के इंटरमीडिएट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़्यादा था और डिमांड रिवाइवल में उसका कोई ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख नहीं रहा था जिसकी वजह से मार्केट ने भी बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया था हालांकि आर का ये कहना है कि आर ने इनिशियली इतना सीवियर इम्पैक्ट पैनडेमिक का एंटिसिपेट नहीं किया था इकोनॉमी पर कि इकोनॉमी जो है इतना सीवियरली अफेक्ट होगी बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक और जो ग्रोथ है वो निगेटिव टेरिटरी में चली जाएगी प्रोजेक्शन अ कॉन्ट्रैक्शन इन अ ग्रोथ फॉर द करेंट फिज ईयर द आर वेंट फॉर अ कट ऑफ 40 बेसिस पॉइंट्स इन द पॉलिसी रेपो रेट इवन as इट वॉन्ट दैट इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली इन फूड इज yet द राइज rise RBI आई ने कल फोर्टी बेसिस पॉइंट से अपना जो पॉलिसी रेपो रेट जो है उसको डिक्रीज कर दिया है क्यों डिक्रीज कर दिया है इन ऑर्डर टू इज द क्रेडिट फैसिलिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट रेपो रेट क्या होता है रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स कॉमर्शियल बैंक्स बोरो फ्राम आर बी आई एंड रिवर्स रेपो रेट आर बी आई बोरो कॉमर्शियल बैंक्स तो हमने रिसेंटली पढ़ा था आरबीआई ने रिवर्स जो रेपो रेट है उसको भी कम कर दिया है और उस पर कैप लगा दी थी इसके बावजूद भी एट ट्रिलियन का जो पैसा था वो कमर्शियल बैंक ने पार किया था आरबीआई में इसके बाद गवर्नमेंट ने हंड्रेड परसेंट क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जिससे कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने लोन देना स्टार्ट किया तो अब इधर क्या किया आरबीआई ने रेपो रेट को भी डिक्रीज कर दिया है रेपो रेट को डिक्रीज करने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा अभी तो सब इसका लिखा होगा कि रेपो रेट गवर्नमेंट ने आर ने डिक्रीज कर दिया फोर्टी बेसिस पॉइंट इसका फ़र्क क्या पड़ेगा इसका फर्क ये पड़ेगा कि अब कॉमर्शियल बैंकस को अगर लोन सस्ता मिलेगा तो कॉमर्शियल बैंक जो है वो जो अदर लैंडर्स हैं उनको भी सस्ता लोन देंगे अगर मार्केट में सस्ता लोन अवेलेबल होगा चीप लोन अवेलेबल होगा तो लोन लेने वा, जो लोन लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिविजुअल्स हैं इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा लोन लेंगे और ज़्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ होगी जिसकी वजह से डिमांड बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हो जाता तो कल आर बी आई ने अकोमोडेटिव पॉलिसी आ, आ, स्टांस लेकर के अपने रेपो रेट में फोर्टी परसेंट का जो है वो कट किया है एम पी सी क्या होती है एम पी सी इज़ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इट इज़ अ सिक्स मेंबर बॉडी जिसमें तीन जो होते हैं वो आर बी आई के मेंबर होते हैं और तीन गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं इसमें आर बी आई के चेयरमैन के पास वीटो पावर होती है आ, ये कब बनी थी ये क्यों बनी थी इसका रीज़न क्या था ये हम कभी और डिस्कस करेंगे अगर आपको पता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं सो जजिंग द रिस्क टू ग्रोथ वर एक्यूट वाइल दो इन्फ्लेशन वर लाइकली टू बी शॉर्ट लिव द एम टी सी फेल्ड इट वॉज इसेंशियल नाउ टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस एंड ईज फाइनेंशियल कंडीशंस फर्दर अब जबकि ट्वेंटी ट्रिलियन का पैकेज गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया है तो उसके बाद अब आर बी आई का इस तरह का एम पी से अपनी मोनिट्री पॉलिसी में चेंज लाना uh, ये शायद फर्दर जो है वो डिमांड को रिवाइव करने में हेल्प करें या इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प करें हालाँकि अगर हम बात करें कि uh, क्या मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया आफ्टर दिस मॉनिटरी पॉलिसी चेंजेस तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन आप ना ही निफ्टी में और ना ही सेंसेक्स में देखने को मिला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन आप कह सकते हैं नहीं मिला इवन जो है वो मार्केट डाउन ही हुआ है कंपैरेटिव टू प्रीवियस टाइम और uh, और हम देखेंगे कि रेपो रेट कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं अप्रैल 2019 में जो रेपो रेट था वो 6.25 परसेंट था जो घट के समय 4 परसेंट तक आ गया था और रेपो रेट कंटिन्यूसली जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं क्योंकि पैंडमिक से पहले भी जो इकोनमी थी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रैक पर नहीं थी आर बी बहुत सारे मेजर्स ले रहे थे फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बहुत सारे फिजिकल मेजर्स ले रही थी अगर आपको याद हो तो कारपोरेट टैक्स को भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया था इन ऑर्डर टू इन्फ्यूज़ द इन्वेस्टमेंट तो अगर आप ये ग्राफ देखें तो ग्राफ से पता चला कि अप्रैल 2019 से कंटिन्यूअसली आरबीआई सेम ट्रैक फॉलो कर रही है तो अगर हम बात करें कल एम मीटिंग की तो उसमें आर ने ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव किए हैं और कहा है कि आ, जो इंडिया का जो अपकमिंग ग्रोथ या डी पी है ग्रोथ रेट वो नेगेटिव टेरिटरी में ही रहेगा तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड्स एट अफोर्डेबल रेट्स एंड रिकिंडल इन्वेस्टमेंट इम्पल्स आर बी आई है सेकेंड सर्ट एंड ड्रास्टिक मेजर्स आर बी आई में जो हमारे बेसिकली जो हमारे शक्तिकांता दास जी हैं गवर्नर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो टॉप सिक्स इंडस्ट्रलाइज स्टेट हैं इंडिया के वो बिकॉज ऑफ़ द पैंडमिक कम्पलीटली शट डाउन हो रहे हैं जिससे कि इंडिया के जो सिक्सटी परसेंट इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो अफेक्ट हुआ है क्योंकि जो टॉप सिक्स इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं वो मैक्सिमम रेड या ऑरेंज जोन में ही फॉल कर रहे थे तो जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उन्हों, और डिमांड कंप्रेशन और सप्लाई डिस्ट्रप्शन को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कल मान शक्तिकांता शक्ति दास ने कल कहा कि डिमांड कंप्रेशन और सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो हुआ है उसकी वजह से जो इकोनॉमी है उस पर और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है उसमें इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो डिप्रेस ही रहेगी तो इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी जो पॉलिसी चेंजेस किए गए हैं उसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेकेंड हाफ तक जो है वो इकोनॉमी की एक्टिविटी ग्रेजुअली वो है इम्प्रूव कर जाएगी जैसे कि पिछले हमारे आपने देखा होगा कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा था कि जो इंडियन इकोनॉमी रिकवरी है वो वी शेप में होगी हालांकि आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं कहा आर बी आई इज़ टॉकिंग अबाउट द ग्रेजुअल रिकवरी ग्रेजुअल रिकवरी मींस आई दर उट कुड बी यू शेप रिकवरी और एनी अदर शेप रिकवरी अगर आपको पता हो जो लोग जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के उनको पता हो कि वी शेप यू शेप डब्ल्यू शेप जे शेप बहुत और बहुत तरह के शेप uh, के अकॉर्डिंग हम इकोनॉमिक डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी रिकवरी की बात करते हैं तो आर का स्टैंड है कि जो इकोनॉमी होगी वो ग्रेजुअली रिकवर करेगी ना ही ना कि वी शेप में और ऐसे जो मेजर्स लिए गए हैं वो मार्केट में पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट इम्पलसेस को डेवलप करेंगे क्या डिसीजन लिया है आरबीआई ने आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से घटा करके फोर परसेंट पर कर दिया है रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.3 परसेंट है जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो निगेटिव ही है बट ऐसा कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो सेकेंड हाफ तक इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैंडेट ऑफ एम जो आर को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना भी है इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी आर बी का एक मैंडेट है आप मुझे बताएंगे कितना टारगेट रखती है आर बी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ टारगेट फिक्स है वॉट इज़ दैट टारगेट कि हमें उतना ही इन्फ्लेशन की आरबीआई को उतना ही इन्फ्लेशन मेंटेन करना है वो टारगेट क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे तो इन्फ्लेशन को देखते जैसे फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है समय तो उसको देखकर आरबीआई आर ने कहा कि सेकेंड हाफ में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगी लोन का जो मोराटोरियम पीरियड है वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है एक्मरेटिव स्टांस को लेते हुए जिससे क्या होगा रिटेल एमएसएमईज़ जो जो सेक्टर है उसको चीपर लोन मिलेगा एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा टाइम मिलेगा अपने इम्पोर्ट बिल्स को पे करने के लिए जो नए बॉरोवर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या लोन लेने के लिए इन सबसे इकोनॉमी इंटरमीडिएट टर्म में रिवाइव होने के स्टेज पर चल पड़ेगी और ऐसा आर का भी प्रोजेक्शन है हालाँकि आर ने ग्रोथ प्रोजेक्शन जो फाइनेंशियल टू थाउजेंड का किया है दैट इज़ ऑन निगेटिव टेरिटरी मार्केट के सेंटिमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिवली रिएक्टिंग ऑन दिस न्यूज़ क्योंकि मार्केट जो है वो इमीडिएट इफेक्ट इम्पैक्ट से ज़्यादा अफेक्टेड होती है तो और ये जितने भी मेजर्स लिए हैं चाहे वो गवर्नमेंट ने लिए हैं चाहे वो आर ने लिए ये इनका इंपेक्ट जो है इंटरमीडिएट टर्म्स है इवन गवर्नमेंट भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि जो अभी मीटिंग हुई थी रिसेंटली हमारे फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हुई थी फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हुई थी जिसमें ऑलरेडी डिस्कस किया गया था कि जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेजर्स है गवर्नमेंट और जो भी इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज लाया है उसका इम्पैक्ट लिव नहीं है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है दैट इज गोइंग टू हैव द इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बट चूंकि इंडियन इकोमी को देखते हुए इस तरह के मेजर्स ही ज़रूरी थे शॉर्ट टर्म अगर हम मेजर्स करके इमीडिएटली डिमांड को बूस्ट करने की कोशिश करते तो उससे अलग तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे इन्फ्लेशन जो होती वो खड़ी होती है और इस, इस समय इन्फ्लेशन ऐसी इन्फ्लेशन आना जो कि कंट्रोलेबल ना हो इट हैज अ वेरी इट विल हैव अ वेरी निगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी तो ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट ई मान रहे हैं कि जो भी रिफॉर्म्स लाए हैं जो भी रिफॉर्मेटिक मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं अपने पैकेज में और आर ने वो सही है और वो इंटरमीडिएटली और धीरे धीरे इकोनॉमी को ग्रेजुअली इकॉनॉमी को इम्प्रूव करेंगे आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू गिवन ऑन पेज नंबर वन के के आर टू इन्वेस्ट इलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी सेवन करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर टू पॉइंट थ्री टू परसेंट जियो रिलायंस जियो कंटिन्यूसली अपने स्टेक को सेल कर रहा है दिस इज द फिफ्थ स्टेक सेल जिसमें रिलायंस जियो ने अपने टू पॉइंट थ्री परसेंट का जो स्टेक है वो किसको सेल कर दिया है के के आर को सेल कर दिया है जियो प्लेटफॉर्म द डिजिटल सर्विस सब्सिडी ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज इज सेलिंग टू पॉइंट थ्री टू परसेंट ऑफ द स्टेक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इलेवन थाउजेंड करोर्स विद ट्रांजैक्शंस वैल्यूइंग द फर्म एट एन इक्विटी वैल्यू ऑफ 4.91 पॉइंट ट्रिलियन एंड एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 5.16 पॉइंट ट्रिलियन ये सेम है जैसा कि प्रीवियस डील में हुआ था प्रीवियस लास्ट डील हमारी किससे हुई थी रिलायंस uh, जियो की दैट इज़ जर्नल एटलांटिक तो उसी सेम वैल्यूएशन पर के के आर से भी डील हुई है अब जो टोटल इन्वेस्टमेंट फाइव डील्स का हुआ है जिसमें जो कितना कैश इनफ्लो हुआ है जियो के पास दैट इज सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी टू करोड़ का जो फंड इनफ्लो आर बी आई वो जियो के पास हुआ है और अप्रॉक्सीमेटली उसने कितना अपना स्टेक सेल किया है सेवनटीन पॉइंट वन टू परसेंट का स्टेक वो अपना सेल कर चुका है टू फाइव ग्लोबल कंपनीज कमेंटिंग ऑन द डील मुकेश अंबानी चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आर आई एल सेट वी आर लुकिंग फॉर्वर्ड टू लीवरेज के के आर्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री नॉलेज एंड ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज टू फर्दर ग्रो द जियो तो बहुत सारे जो अगर हम बात करें कि पांच पाँच, पाँच कंपनीज को स्टेक सेल कर रखा है तो आप देखेंगे हर कंपनी से कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू चेन है वो ऐड हो रही है जियो की जिससे कि जो जियो है वो बेटर परफॉर्म करेगी इन फ्यूचर में और इन पांचों कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो उनके स्ट्रैटेजिक एडवांटेज एक और कॉम्पिटेंसी है इनको यूज़ करते हुए रिलायंस जियो जो है वो आगे अपने को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए फ्यूचर जो प्रोडिक्शन है वो देख रही है फॉर के के आर विच हैज़ अ इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट डिफरेंट अदर कंपनीज जस्ट लाइक भारतीय इन्फ्राटेल कॉफी डे रिजॉर्ट्स मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज इन सब पर भी के के आर का इन्वेस्टमेंट है तो अगर हम बात करें कि कितना कितना परसेंटेज शेयर हो चुका है तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं के के आर है सबसे पहला किसके साथ हुआ था फेसबुक के साथ हुआ था जो सबसे बड़ा स्टेक सेल था दैट इज़ नाइन पॉइंट नाइन परसेंट देन सिल्वर लेक देन विस्टा देन जनरल अटलांटिक एंड देन के के आर तो फाइव डीज जो हैं विद इन वन मंथ आप देख चुके हैं रिलायंस जियो में और उसका बहुत ज़्यादा पर्पज दो ही पर्पज आप इसको कह सकते हैं एक अपने आप को डेट फ्री बनाना दूसरा इन सारी जो कंपनीज हैं इनके कोर कॉम्पिटेंसीज को इनकी स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए रिलायंस जियो को और ज़्यादा ग्रो कराना अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री गिवन ऑन पेज नंबर टू एफएमसीजी मार्केट कॉन्ट्रैक्ट 34 परसेंट इन अप्रैल एमिट कोविड 19 क्राइसिस नील ने एक सर्वे किया है जिसमें उसने ये बताया है कि एफएमसीजी मार्केट जो इंडिया में है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है सबको पता है और बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं एफएमसीजी एम इज एवर ग्रीन मार्केट मतलब इसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता या इस इंडस्ट्री में कभी भी रिसेशन नहीं आता ये कभी भी स्लो डाउन में नहीं जाती हालांकि इस बार 34 परसेंट का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है एफएमसीजी मार्केट में इंडिया में क्यों देखा गया क्योंकि बहुत सारी एफ के जो प्रोडक्ट्स uh, हैं वो इसेंशियल में नहीं आते बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि एफ के जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं वो इसेंशियल में आते हैं तो एफ सेक्टर जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा बट एज़ पर द रिसर्च मार्केट रिसर्च एजेंसी नीलसन उसने कहा है कि थर्टी का कॉन्ट्रैक्शन अप्रैल में देखने को मिला क्योंकि बहुत सारे जो जो प्रोडक्ट्स हैं एफ में वो इसेंशियल कमोडिटीज में नहीं आते हैं और जिनकी ट्रेडिंग नहीं अलाउ थी द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रप्शन टू द Uh, 4.3 trillion fast ट्रिलियन consumer मूविंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट इन इन इंडिया ड्यू टू कोविड नाइन्टीन पैंडमिक एंड लॉकडाउन हैज़ नाउ बिकम क्लियर अभी तक क्या था क्लियर नहीं होता कोई कह रहा था कैफ एम जो है वो पॉजिटिवली ग्रो कर रही है पॉजिटिव ग्रो कर रही है क्योंकि वो इसेंशियल कमोडिटीज में उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं आ जाते हैं लेकिन नीलसन ने ऐसा कहा ऐसा कहा है कि ऐसा कोई नहीं है मार्केट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करी ट्रेडिशनल रूट विच कॉन्ट्रीब्यूट एट्टी इन टर्म्स ऑफ सेल टू द ओवरऑल मार्केट सो अ बिगर ड्रॉप ऑफ थर्टी एट परसेंट इन अप्रैल ट्रेडिशनल रूट मतलब जो हमारे रिटेल्स होते हैं फिजिकल स्टोर्स की बात नहीं करें ई कॉमर्स की बात नहीं करें फिजिकल स्टोर जो रिटेल्स होते हैं ई कॉमर्स ट्रेडिशनल रूट नहीं जो हमारी ई कॉमर्स कंपनी जैसे लाइक हमारी फ्लिप फ्लिपकार्ट एमेज हो गई ये ई e कॉमर्स है ट्रेडिशनल रूट जो, जो ट्रेडिशनल रूट मतलब जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ट्रेडर्स होते हैं जो फिजिकल स्टोर्स होते हैं वो 87 सेवन परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ओवरऑल मार्केट के सेल का उन्होंने ज़्यादा ड्रॉप देखा है 38 परसेंट का ऐसा क्यों हुआ क्योंकि कुछ टाइम तक गवर्नमेंट ने ई e कॉमर्स कंपनीज़ को अलाउ कर रखा था कि वो नॉन इसेंशियल आइटम्स भी सेल कर सकें जिसके अगेंस्ट अगर आपको याद हो तो ट्रेडर्स एसोसिएशन गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट लेकर गए थे कि अगर आप ई कॉमर्स कंपनीज़ को नॉन इसेंशियल

मॉडर्न ट्रेड विच कॉन्ट्रीब्यूट टेन परसेंट स्लो टू फाइव परसेंट इन अप्रैल मॉडर्न ट्रेड जो था बेसिकली जो ई e कॉमर्स के थ्रू था उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन देखने को नहीं मिला अगर आप कह सकते फाइव परसेंट का कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला था जो कि एक्चुअली टेन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है टोटल सेल में दिस इज आफ्टर मॉडर्न ट्रेड रिपोर्टेड ट्वेंटी सेवन परसेंट ग्रोथ इन मार्च एंड ट्रेडिशनल रूट सॉ ओनली वन परसेंट ग्रोथ मतलब मार्च में जो ई कॉमर्स के थ्रू जो सेलिंग होती थी उसमें ट्वेंटी सिक्स परसेंट की ग्रोथ देखी गई जबकि जो ट्रेडिशनल रूट था उसमें केवल वन परसेंट की ग्रोथ ही आई हाउ शार्प द ओवरऑल एफ एम सी जी डेकलाइन इस कैन बी गॉक्ड फ्रॉम इट्स परफॉर्मेंस इन प्रीवियस मंथ फॉर द थ्री मंथ पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम डिसम्बर 2019 टू फरवरी 2020 द ग्रोथ रेट सेट नीलसन ऑफ ओवरऑल एफएमसीजी मार्केट वाज 6 परसेंट इससे पहले सिक्स परसेंट की ग्रोथ रेट थी दिस डेक्लाइन टू थ्री परसेंट इन मार्च जो छः परसेंट से लेकर तीन परसेंट में आ गई मार्च में फर्स्ट पार्शली देन फुली वाज अनाउंस फ्रॉम द मिडल ऑफ द मंथ इफ जनवरी टू मार्च पीरियड इज कंसीडर्ड देन द एफएमसीजी ग्रोथ रेट वाज फाइव एक्सक्लूडिंग ई कॉमर्स आफ्टर एडिंग द ई कॉमर्स सेल द ग्रोथ रेट इम्प्रूव टू सिक्स फॉर द क्वार्टर ऐसा नीलसन का सेना नीलसन का कहना है एफ एम सी जी को लेकर के परफॉर्मेंस की बात करें कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही तो आप देख सकते हैं कि जो एफ एम सी जी मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस अप्रैल में जो है वो बिल्कुल निगेटिव चली गई दैट इज माइनस थ्री पॉइंट माइनस थ्री फोर पॉइंट जीरो ओवरऑल एफ एम सी जी ट्रेडिशनल रूट भी जो है वो डेकलाइन हुआ है मॉडर्न रूट में आपको बहुत ज़्यादा डेकलाइन नहीं मिलेगा हालाँकि ग्रोथ जो है वो अप्रैल में बहुत ज़्यादा नहीं रही दैट इज़ फाइव परसेंट ओनली बट एक्चुअली ट्रेडिशनल रूट के कंपेरिजन में कोई भी डेकलाइन नहीं है आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फोर गिवन ऑन पेज नंबर टू नासकॉम व जॉब कट्स इफ बिजनेस डजेंट इम्प्रूव ना क्या है इज ट्रेड एसोसिएशन ऑफ आई टी बी पी एम कंपनीज ये एक ट्रेड एसोसिएशन है आ, सारी आई टी कंपनी का ये ट्रेड एसोसिएशन है ये भी बहुत अपने सर्वे करते रहते हैं अपनी स्टडीज कंडक्ट करते रहते हैं तो इंडियन आई टी सर्विस कंपनीज में हैव रिजॉर्ट टू जॉब कट्स टू रैशनलाइज कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म इन्होंने अपने प्रोडिक्शन में अपनी रिपोर्ट में क्या पाया नासको ने कहा है कि आने वाले टाइम में अगर बहुत जल्दी बिजनेस रिवाइव नहीं किया तो बहुत सारी जो आई कंपनीज हैं दे कैन रेजोर्ट टू जॉब कट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू रैशनलाइज देयर बिजनेस मॉडल क्यों क्योंकि अगर हम बात करें इंडियन आई टी फॉर्म्स की या इंडियन आई टी कंपनीज की तो इनके बहुत सारा जो बिज़नेस है वो हमारा यूरोपियन नेशंस और हमारे अमेरिका के प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड होता है ठीक है और अगर आप देखेंगे तो इवन चाहे वो यू एस ए हो चाहे वो यूरोपियन नेंस हों दे ऑल आर अफेक्टेड बाय द पैंडमिक और बहुत ज़्यादा हमारे पास कंडीशन ख़राब है इवन इंडिया से कहीं ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो बहुत सारी कंपनीज हम बंद हैं बिजनेस मार्केट जो बिजनेस है वो बंद है जिससे कि जो हमारी इंडियन आई टी कंपनीज हैं उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है करने के लिए अब उनके पास काम नहीं है तो उनको वर्कफोर्स की भी जरूरत नहीं होगी तो ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी इंप्रूव नहीं हुई इन अप टू नेक्स्ट थ्री क्वार्टर्स देन द आई इंडियन आई टी फर्म्स हैज टू गो फॉर अगर हम बात करें तो इंडिया में सारी आई टी कंपनी ने यह कहा है कि वो सारे ऑप्शन ट्राई करेंगी जैसे कि अगर आप देखें टीसीएस हो गए विप्रो हो गए इन्होंने, इन्होंने, इन्होंने सैलरी कट कुछ किए हैं कि उसने इंक्रीमेंट रोक दिए हैं लेकिन अभी तक किसी भी आईटी कंपनी ने ऐसा जॉब कट या इम्प्लॉयी ले ऑफ नहीं किया है क्यों क्योंकि आई टी कंपनीज कह रही दे विल ट्राई ऑल द ऑप्शंस बिफोर गोइंग फॉर ले ऑफ वो पहले सारे ऑप्शंस ट्राई करेंगे इसके बाद ही अगर वो कंपनी के सर्वाइवल में प्रॉब्लम आएगी या कॉस्ट को रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी देन ओनली कंपनी विल गो फॉर एम्प्लॉय लेफ एज द इकोनॉमी कंटिन्यू

हैव टू हैव गो फॉर और विल गो फॉर ले ऑफ और क्योंकि ले ऑफ़ करना ज़रूरी है और जिससे कि क्या होगा कंपनी का कॉस्ट रैशनलाइजेशन होगा हालांकि जो आई टी सेक्टर है वो वो बहुत ज़्यादा अपने टैलेंट रिटेंशन के लिए फेमस है आई टी में जो टैलेंट होता है एम्प्लॉय का दैट इज मोर वैल्यूड देन एनी अदर इंडस्ट्री तो बहुत जल्दी आई टी फॉर्म्स जो हैं वो लेफ़ नहीं करती बिकॉज दे नो इन आई आई टी इज़ अ सर्विस सेक्टर नॉलेज डिवन इंडस्ट्री जहाँ पर टैलेंट जो है वो कोर कॉम्पिटेंसी होती है हर हर आई टी कंपनी की इसीलिए कंपनीज जो होती हैं अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी आई टी कंपनीज जनरली ले ऑफ नहीं करती दे वॉन्ट टू रिटेन देयर टैलेंट इवन इन द पैंडमिक सिचुएशन इवन इन द क्राइसिस एनी क्राइसिस सिचुएशन है इस समय पैंडमिक की सिचुएशन है बट किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में जो आई टी फॉर्म्स होती हैं दे हैव द टेंडेंसी टू रिटेन देयर टैलेंट तो ऐसा कहा जा रहा है कि बट अब चूंकि अगर छः से दस महीने में सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई ऐसी कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई या ट्रीटमेंट डेवलप नहीं हुआ और यही सिचुएशन कंटिन्यू रही तो फोर्सफुली कंपनीज़ को ले ऑफ़ करना पड़ेगा जिससे कि मिलियंस ऑफ पीपल की जो लाइवलीड है वो अफेक्ट होगी आई सेक्टर जो है वो इंडिया का वन ऑफ द पिलर सेक्टर है अगर उसमें ले ऑफ़ शुरू हो गया एक बार बहुत ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा इंटरप्राइज़ेज़ इन ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी एविएशन रिटेल, ऑटोमोटिव एंड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर्स हैव बीन द हिट, द हार्डेस्ट इन द पास थ्री मंथ्स। दिस हैज लेड टू द डीलेड इन रिन्यूअल ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट्स टू कैंसिलेशन ऑफ द ऑन गोइंग आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स आईटी में सिर्फ सॉफ्टवेयर तो नहीं आता सॉफ्टवेयर डेवलप बहुत सारी सपोर्ट support, जो सपोर्टिंग काम्स होते हैं वो भी आते हैं आईटी टी इनेबल जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो भी आती हैं बहुत सारे अदर प्रोजेक्ट्स भी आते हैं अब चूँकि ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी एविएशन रिटेल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है पैंडमिक की वजह से तो इनको भी अभी फ़िलहाल के लिए आई प्रोडक्ट्स या आउटसोर्सिंग की जरूरत नहीं पड़ रही तो इन्हीं से एक्चुअली बिजनेस आता था तो अब चूंकि ये वर्स्ट अफेक्टेड हैं मैक्सिमम कंट्रीज़ में ये शट डाउन है ये सारी इंडस्ट्रीज तो जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो आईटी फर्म्स फॉर्म्स के पास नहीं आ रहे हैं और जो पहले प्रोजेक्ट्स दिए गए थे तो उनमें बहुत सारों का कैंसिलेशन हो गया या उनको पोस्टपोन कर दिया गया फ्यूचर के लिए ठीक है तो उन सबको देख करके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है वो सारे एग्जॉस्ट हो रहे हैं आई टी फॉर्म्स के पास जब वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो उनके पास फ्यूचर में काम नहीं रहेगा और काम नहीं रहेगा तो इम्प्लॉयज़ की भी जरूरत नहीं रहेगी तो अगर अगर इम्प्लॉयज का ले ऑफ नहीं किया गया तो दैट बिजनेस विल नॉट बी सस्टेनेबल तो फोर्सफुली ही आई टी फॉर्म्स को ले ऑफ पर जाना पड़ेगा आई टी इंडस्ट्री हैज़ नॉट रिजॉर्टेड टू कटिंग जॉब्स एंड इज करेंटली परसूंग अदर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मूव जैसे कि मैंने कहा कि आई टी इंडस्ट्रीज आर एक्चुअली यूजिंग एवरी ऑप्शन टू ऑप्टिमाइज़ देअर कॉस्ट बिफोर गोइंग फॉर जॉब कट्स चाहे आप टी सी एस की बात कर लें इन्फोसिस की बात कर लें एच सी एल टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लें विप्रो की बात कर लें टेक महिंद्रा की बात कर लें उन्होंने इवन उन्होंने ये तक भी बोला है कि जो उन्होंने अपने जॉब ऑफर्स दिए थे वो जॉब ऑफर्स को भी ऑनर करेंगे अपने जॉब ऑफर्स को वो मना नहीं करेंगे जो जो कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू जाते हैं कंपनीज जाती हैं वो जॉब ऑफर्स जो देकर आई हैं पिछले सेमेस्टर में उन सबको ऑनर करेंगी इवन कुछ कंपनीज आई टी फॉर्म्स में तो ये भी कहा है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2020 में कैंपस हायरिंग के लिए भी जाएंगी बट वो कैंपस हायरिंग जो पहले लार्ज चंक में लार्ज अमाउंट में करते थी वो अब बहुत कम रह जाएगा तो आईटी फर्म्स जो हैं वो अभी अपने आप को जॉब कट्स के लिए तैयार नहीं कर रही हैं या उसके लिए नहीं सोच रही हैं बट नासकॉम का ये कहना है कि अगर सिचुएशन इसी तरीके से रही तो कंपनीज जो हैं वो जॉब कट्स के लिए जाएंगी मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज आर ऑपरेटिंग ऑन वर्क फ्रॉम होम मोड विद मोर देन नाइन्टी ऑफ देयर एम्प्लॉइज आर वर्किंग फ्राम रिमोट लोकेशन बहुत सारी आई कंपनीज जो हैं वो वर्क फ्राम होम करा रही हैं अपने अपने एम्प्लॉय से लेकिन ये मॉडल बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है कि आप कंटिन्यूसली uh, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं करा सकते और नासकॉम का यह भी कहना है हालांकि सस्टेनेबल नहीं है लेकिन फिर भी कंपनीज को कुछ टाइम तक इसी मॉडल को लेकर के चलना पड़ेगा अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए तो ये नासकॉम का सर्वे है जिसमें नासकॉम ने कुछ प्रोजेक्शन दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल कंडीशन आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फाइव गिवेन ऑन पेज नंबर फाइव न्यू बोरोट टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स आर बी ने जो कल अपनी कमेटी uh, में पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें जितने भी रिफॉर्म्स जो भी चेंजेस इंड्यूस किए तो इस एज पर दिस आर्टिकल उन सारे चेंजेस का जो न्यू बोरोस हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा कंपेयर टू द प्रीवियस और द ओल्ड बोवर जिन्होंने ऑलरेडी लोन ले रखा था विद द आर बी आई अनाउंसिंग येट एन अदर रेट कट

वो प्लॉट करता है एज पर द एक्सटर्नल बेंच मार्क सिचुएशन और द एज पर द एक्सटर्नल बेंच मार्क्स रेट्स तो ऐसे जो बोवर्स हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है हालांकि जो रेट कट्स हुए हैं ये दोनों को अफेक्ट करेंगे डिपॉजिट्स को भी अफेक्ट करेंगे डिपॉजिट रेट्स को भी अफेक्ट करेंगे और लेंडिंग रेट्स को भी अफेक्ट करेंगे अगर आप आरबीआई के सारे मेजर्स देखें तो आरबीआई का सीधा ये कहना है कि वी डोंट वॉन्ट सेविंग्स हमें सेविंग्स नहीं चाहिए आपसे आप अपना जो आइडल मनी वो बैंक में ना रख करके उसको यूज़ करें आइदर टू इंक्रीज़ द डिमांड आइदर टू डू द इन्वेस्टमेंट आर बी आई का क्लियर इंडिकेशन ये है कल के जो पॉलिसी मेजर्स या जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं उनमें इन द टाइम्स लाइक दीज वेन एवरी वन इज़ लुकिंग टू रिड्यूस कॉस्ट वन वन फाइव बेसिस पॉइंट कट इन रेपो विल लीड टू द सीजबल रिडक्शन इन देयर ई एम आईज तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्हों जो ऑलरेडी जिन्होंने हाउसिंग लोन ले रखा था और उनके हाउसिंग लोन एक्सटर्नल बेंच मार्क से लिंक्ड थे उनके लिए ये आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट की सिचुएशन है जिसमें उनको जो ईएमआई है वो उनकी रिड्यूस हो जाएगी उनको ईएमआई कम देनी पड़ेगी अगर हम बात करें कितना रिडक्शन होगा अगर आपने 30 लाख का लोन लिया है और आपका जो करंट इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ सेवन पॉइंट थ्री फाइव परसेंट और उसके अकॉर्डिंग आप अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी मंथली ई एम आई बन रही दैट इज़ ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी थ्री और जो नी न्यू ई एम आई बनेगी फोर्टी बेसिस पॉइंट को रिड्यूस करते हुए दैट इज़ ट्वेंटी थ्री थाउजेंड 169 तो कितना डिक्रीज हुआ अप्रॉक्सीमेटली 700 हंड्रेड रुपीज पर मंथ का जो वो रिडक्शन देखने को मिला है अगर आपने 30 लाख तक का होम लोन लिया इसी तरह अगर आपने 75 लाख का लिया तो आपको करीब 1800 का जो रिडक्शन आपकी ई में आएगा अगर आपने एक करोड़ तक का लोन लिया है तो आपको करीब ढाई हजार तक का रिडक्शन आपको अपनी मंथली ई में देखने को मिलेगा तो ऐसे बोरोवर जिनका एक्सटर्नल बेंच लिंक्ड लोन था यानी फ्लोटिंग रेट uh, पर जिन्होंने लोन लिया था उनको अब इस रिडक्शन से बेनिफिट होने वाला बट फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर विल फील द पिंच एज द आर बी आईज रेट कर्ट इज़ लाइकली टू पास ऑन द डिपॉजिटर्स प्रॉपर् अब ऐसा कहा जा रहा है ऐसे होल्डर्स एफ डी होल्डर्स जिन्होंने एफ डी बना रखी थी अब ये बात आ रही कि एफ डी होल्डर्स जो हैं जो ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि वो एफ डी से एफ डी बनाएंगे अपने आइडल मनी की जो इस ड्यूरेशन में जो उनका आइडल मनी रहा है उससे वो एफ डी में कन्वर्ट करेंगे तो उनको अब नुकसान होने वाला है क्योंकि इत, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आर बी आई के रेट कट के बाद बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो एफटी में जो इंटरेस्ट रेट होता है एफ का जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको भी कम करें नाउ जस्ट एफ डी रेट इंटरेस्ट रेट्स ऑन इवन सेविंग डिपॉजिट्स में कम डाउन तो ऐसे इन्वेस्टर जो कि बेसिकली एफडी में इन्वेस्ट करते हैं एफडी में डील करते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हालांकि ये कहा जा रहा है कि ऐसे इन्वेस्टर जिनकी ऑलरेडी एफडी डी एग्जिस्ट कर रही थी प्रीवियस इंटरेस्ट रेट पर प्रीवियस इंटरेस्ट रेट अभी जो करंट चल रहा है वो हाई है आगे आने वाले टाइम में रिड्यूस करेंगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि जिनकी ऑलरेडी एफ पहले वाले रेट पर उनको तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो उसी रेट पर उसको रिन्यू कर लेंगे दोबारा बट जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका आइडल मनी जो लाई कर रहा है सेविंग बैंक में और वो अब अब एफ करने की सोच रहे हैं तो पर्दा इन्वेस्टर्स की जैसे अभी आज के दिन ही उन्हें अपनी एफडी को रिन्यू कर लेना चाहिए इससे पहले कि कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो एफडी के रेट्स डिक्रीज करें एग्जिस्टिंग एफडी इन्वेस्टर डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट सिंस देयर रेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड टिल द एंड ऑफ देयर टेन्योर बट द न्यू एफ रेट्स आर लाइकली टू फॉलो सून ऐसा कहा जा रहा है कि न्यू एफडी रेट्स गिरेगे तो जिसको भी एफडी करानी है वो आ, पहले करा ले इससे पहले जैसे कि कॉमर्शियल बैंक अनाउंस करें एफडी रेट कर्ट्स को स्मॉल सेविंग रेट्स में ऑल्सो भी रिड्यूस जो छोटे छोटे सेविंग्स रेट्स हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो भी रिड्यूज़ करेगा क्योंकि आर बी क्लियर इंडिकेशन है कॉमर्शल बैंक को कि लोन दो सस्ता लोन दो ट्वेंटी टूल पैकेज का भी यही मोटिव uh, था गवर्नमेंट के कि ईजी और चीपर लोन अवेलेबल कराओ एम एस एम को एन बी एफ सीज को एक्सपोर्टर्स को और यही आर बी आई का भी स्टैंड है कल के पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद बट सम लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स सुकन्या समृद्धि योजना विल रिमेन अट्रैक्टिव एज इट विल द सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इन ये जितनी स्कीम्स हैं जितनी स्कीम्स में अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट प्र, 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 फंड की बात करें सीनियर सिटीजन से सेविंग स्कीम्स से की बात करें इन पर जो है वो टैक्स रेट जो जो इन पर जो इंटरेस्ट रेट है वो अप्रोसीमेटली सेम रहेगा जिससे कि ये इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी अगर आप किसी इन्वेस्टर से पूछेंगे कोई कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है तो बहुत सारे जो इवेस्टर्स है वो आपको यही सजेशन देंगे कि प्रॉविडेंट फंड में जो इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता, होता है क्यों ऐसा होता है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा मिलता है अप्रोक्सीमेटली कंपेयर टू अदर स्कीम्स ऑन द अदर हैंड जो इंटरेस्ट रेट मिलता भी है वो सब टैक्स फ्री होता है तो प्रोविडेंट uh, फंड है चाहे वो सीनियर सिटीजन स्कीम सेविंग स्कीम सब अट्रैक्टिव रहेंगे इन्वेस्टर्स हु डोंट नीड लिक्विडिटी मे गो फॉर देम ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि एक्चुअली में लिक्विडिटी नहीं चाहते लिक्विडिटी कौन चाहते है बिजनेस मैन को लिक्विडिटी चाहिए होती है ऐसे इन्वेस्टर जो कि बिजनेस या स्टार्टअप्स करने जा रहे हैं उनको कैश चाहिए होता है बट ऐसे इन्वेस्टर जिनको लिक्विडिटी नहीं चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म दे दू नॉट रिक्वायर कैश इन देयर हैंड दे कैन गो फॉर दीज स्कीम्स इन फ्यूचर बिकॉज दीज स्कीम्स स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर आर स्टिल गोइंग टू बी अट्रैक्टिव फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द सर्टन टैक्स बेनिफिट्स गवर्नमेंट के बॉन्ड भी हैं वो भी आप अट्रैक्ट रहेंगे अट्रैक्टिव रहेंगे ऐसा इनका इस आर्टिकल में ऐसा कहना है हाउवर सिंस मोस्ट न्यू लोन्स आर टाइट टू द रैपो द ट्रांसमिशन इज लाइकली टू बी हायर एंड फास्टर दैन एम सी एल आर एंड बेस रेड रिजीम तो एम सी एल और बेस रेट रिजीम के कंपैरिजन में इस बार का जो रे, जो रेपो रेट है वो उसका ट्रांसमिशन ज़्यादा अच्छे से होगा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है स्टूडेंट जिसमें अगर इसको बहुत सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं कि आर ने जो भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस किए हैं रेपो रेट्स में या जो भी पॉलिसी रेट्स में जो भी कट किए हैं वो कट्स का बेनिफिट इवेंचुअली जो कंज्यूमर हैं इन्वेस्टर्स हैं पब्लिक हैं उन तक कितना पहुंच रहा है पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुँचा है अब जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने ही उसका इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लिया अगर आपको याद हो रिवर्स रेपो रेट पिछली बार आर ने कम किया था लेकिन कॉमर्शल बैंक्स ने उसके बाद भी लोन सस्ता नहीं किया या लोन नहीं दिया था ना आर से लोन लिया और ना ही पब्लिक को या एन को या एम को लोन दिया उस उस समय जो भी पॉलिसी कट्स आर ने लिए थे उनका सही से ट्रांसमिशन नहीं हुआ था बट इस बार कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे जो लोन्स हैं उनको रेपो से टाई किया जाएगा रेपो रेट से लिंक कर दिया जाएगा फ्लोटिंग रेट पर एक आ, लोन्स दिए जाएंगे जिससे कि जो भी चेंजेस रेपो रेट में होंगे उसका ईजिली ट्रांसमिशन हो सकेगा पब्लिक तक इन्वेस्टर तक कंज्यूमर तक उसको बैंक्स बीच में एब्जॉर्ब नहीं करेंगे जस्ट लाइक एम और बेस रेट रेजीम्स तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है और अगर ये कुछ स्टैटिस्टिक्स आप देखना चाहें तो ये स्टैटिस्टिक्स है जिसमें कार लोन और होम लोन की करंट ई कितनी है और ई जो एज पर द न्यू रेपो रेट कितनी ई होगी और कितना बेनिफिट होगा और रिडक्शन इन द इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर ओवरऑल फुल टेनअर में कितना रिडक्शन इंटरेस्ट कॉस्ट में देखने को मिलेगा आप देख लेते हैं कुछ न्यूज़ क्लिप्स अमेजॉन क्रिएट्स फिफ्टी के सीजनल पोजिशंस टू टैप डिमांड सर्च अमेजोन जो है वो पचास हजार के करीब जॉब नई जॉब्स को क्रिएट करने जा रहा है इन ऑर्डर टू टैप द डिमांड सर्च जो टैप पेंट डिमांड थी हमने कल डिस्कस किया था पेंट डिमांड बहुत टाइम से दबी हुई डिमांड अब चूँकि नॉन इसेंशियल कमोडिटीज़ में भी डील करना अलाउ कर दिया गया है रेड जोन में भी डील करना अलाउ कर दिया गया तो अमेज़ॉन के पास सडनली अमेजोन फ्लिपकार्ट होगा इनके पास डिमांड जो है वो बहुत सर्ज कर रही इमीडिएटली बढ़ रही बहुत ज़्यादा हाइक में डिमांड था क्योंकि अभी तो तक जो डिमांड थी वो डिमांड तो थी, थी बट उसको पेंटअप कर दिया गया था तो दबा दिया गया था और जैसे ही वो डिमांड ओपन हो गया वो रिलैक्सेशंस रिलैक्सेशन ओपन हुए तुरंत डिमांड बढ़ने लगी और डिमांड बढ़ने लगी तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को एडिशनल इंप्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू फुलफ़िल देयर डिमांड डिलीवरी करने के लिए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उन्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एम्प्लॉयज़ की तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अमेज़ॉन जो है वो फिफ्टी सीजनल पोजिशन ये परमानेंट जॉब्स नहीं होंगी सीजनल पोजीशंस जो हैं वो अमेजोन क्रिएट करेगा इन ऑर्डर टू टैप द सर्ज इन डिमांड वन बिलियन नंबर्स ऑफ जॉब्स अमेजॉन प्लान्स टू क्रिएट इन इंडिया बाय 2025 25 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक मिलियन तक की जो जॉब्स हैं वो अमेजॉन क्रिएट करेगा डॉलर सिक्स बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड एंड टेन थाउजेंड एग्जीक्यूटिव बींगस हायर बाई बिग बास्केट फॉर वेयर हाउसेस लास्ट माइल डिलीवरी टू थाउजेंड पीपल एब्जॉर्ब बाई ग्रूफर्स फ्राम द सेक्टर हिट बाई द कोविड नाइन्टीन क्राइसिस तो अगर आप देखें जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज है राधर गोइंग फॉर एम्प्लॉज लेफ दे आर एक्चुअली गोइंग फॉर हायरिंग क्यों क्योंकि डिमांड जो है वो सडनली बोलते हैं हिट किया है डिमांड ने पेंटअप डिमांड ने सडनली हिट किया है रिलैक्सेशन जैसे ही कम हुए मोबाइल हो गया वाइट गुड्स हो गए क्लोदिंग्स हो गई सब में तुरंत ही डिमांड आ गया जिसको पूरा करने के लिए इंप्लॉय बेस की जरूरत है निशान कंसिडरिंग मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड जॉब कट्स निशान जो है वो ट्वेंटी थाउजेंड जॉब कट्स करने जा रहा है उसके लिए मोल ओवर कर रहा है कितना होगा या होगा या नहीं होगा ऐसा ब्लूम्स वर्ग की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि निशान मोटर इज गोइंग फॉर ले ऑफ दैट इज़ ट्वेंटी थाउजेंड जॉब कट्स डेली पटना रूट्स मोस्ट बुक एज अ एयरलाइन प्रिपेयर टू रिज्यूम फ्लाइट्स दिल्ली पटना रूट जो है वो सबसे ज़्यादा बुकड रूट ऐसा आया है जो कि 25 से में जो मई से हमारी एविएशन इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं जो ग्राउंडेड थी वो अब ऑपरेट करेंगी विद देयर 30 परसेंट कैपैसिटी तो दिल्ली पटना रूट जो है जिसमें सबसे ज़्यादा बुकिंग हुई है ऐसा एविएशन इंडस्ट्रीज का या ऐसा एव, एविएशन कंपनीज़ का कहना है ऑटो होम सेल्स टू रिवाइव सी बहुत सारे जो कंपनीज हैं ऑटो ऑटो की उन्होंने कहा है और ऑटोमोबाइल की उन्होंने कहा है कि बाई दीज डिसीजन्स ऑफ आर बी आई जिससे क्या हुआ जो कार लोन जो व्हीकल लोन जो सस्ता हुआ है हो जाएगा रेपो रेट की वजह से तो उससे क्या है जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें डिमांड डिमांड जो है वो रिवाइव करेगी हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं आज के बिजनेस स्टैंडर्ड के फ्रंट पेज पे ये भी न्यूज़ दी हुई थी कि जो यूज्ड ऑटो कार हैं उनकी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी कंपेयर टू न्यू ऑटो मोबाइल सेक्टर हालांकि जो सी ईज़ हैं दे आर एक्सपेक्टिंग की ग्रुप एक्सपोजर लिमिट्स विल सपोर्ट द लार्ज कंपनी जो रेपो रेट जो आर बी आई जो बेसिकली जो पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं जो पॉलिसी रेट्स कट किए हैं उसकी वजह से लोन सस्ता होगा जिससे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम दोबारा से डिमांड को देख पाएंगे आज की न्यूज़ ऑफ द डे आर बी आई स्निप्स रेट्स ग्रोथ फोर का जिसमें आप ये पढ़ लीजिए कि आर बी आई एम पी सी क्या होती है एम पी सी क्यों बनी एम पी सी पहले अगर आपको पता होगा तो आर बी आई का जो गवर्नर था वो सारे मॉनिटरी पॉलिसी रिलेटेड जो भी डिसीजनस होते थे वो आर बी आई का गवर्नर लेता था तो एम पी सी क्यों बनाई कितने मेंबर्स होते हैं चेयरमैन कौन होता है किसके पास विटो पावर होती है जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है मेंबर्स वो कहाँ से आते हैं ये सारे आप क्वेश्चन या इस सबको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके सिलेबस का भी और आपके कॉम्पटेटिव एग्जाम्स का भी इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू स्टूडेंट्स